नमस्कार, मंजू कैंटीन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चावल दाल का बचका, या फिर आप टिक्की भी कह सकते हैं। इसको बनाने में हम बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल करने वाले हैं और ये बहुत ही चटपटा बनता है, तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए 1 कप चना दाल और 1 कप चावल को पानी में भिंगो कर 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे के बाद ये अच्छा फूल जाएगा। पानी से निकाल कर मिक्सर जार में ले लेंगे। 4-5 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च या काली मिर्च पाउडर ले लेंगे। इसको हम बिना पानी के या जरूरत लगेगा तो 1-2 चम्मच पानी डालकर दरदरा पीस लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 प्याज को बारीक काट कर डाल देंगे। सबको अच्छा मिक्स कर लेंगे। अब बनाना शुरू करेंगे तो इसके लिए 1 तवा गर्म करेंगे, 1-2 चम्मच तेल डाल देंगे। स्पून की मदद से हम इस बैटर के छोटे छोटे पीस लेकर तवे पर इस तरह से फैला देंगे। जितने पीस आ जाए उतना हम डाल देंगे। उलट पलट कर अच्छा सेक लेंगे, अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। मीडियम या स्लो फ्लेम पे ही इसको हम बनाएंगे। अच्छा अंदर से पक जाना चाहिए, तो इसको अच्छा पका लेंगे। थोड़ी देर में ये पककर रेडी हो जाएगा। अब हम इसी तरह से और भी बचका को तैयार कर लेंगे। रेडी हो जाएगा हमारा बहुत ही टेस्टी चटपटा चावल दाल का बचका। ये बहुत ही हेल्दी भी होगा क्योंकि इसमें हमने बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया है, और ये चटपटा भी होगा। तो इसको आप जरूर बनाइए, खाइए। थैंक्स।